एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं 28 और 29 जून के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स का ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महापरवाना प्लान लॉन्च किया है जिसके तहत उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, महाराष्ट्र ने किया है ये प्लान अनाउंस। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं अलग अलग स्टेट्स की। वेस्ट बंगाल ने हाल ही में आईटी प्रोफेशनल्स जो लॉकडाउन के कारण वापस आ गए थे वेस्ट बंगाल में, उनके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है और एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कर्मभूमि, जिसके तहत जितनी भी आईटी रिलेटेड ऑफिसेज हैं इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उनमें जो भी वैकेंसीज है ये आईटी प्रोफेशनल चेकआउट कर सकते हैं और अगर उन्हें जॉब चेंज की ज़रूरत है या फिर नए जॉब की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है झारखंड। झारखंड पहला ऐसा स्टेट है भारत में जिसने एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की घोषणा की है। इसके तहत वो वहाँ के जो अर्बन पुअर है यानी कि जो शहरी गरीब है उन्हें 100 days ऑफ वर्क प्रोवाइड करेगी और अगर वहाँ की सरकार ऐसा करने में असफल रहेगी तो उन्हें एक अर्बन अलाउंस प्रोवाइड करेगी। चलिए बात कर लेते हैं अब महापरवाना प्लान के बारे में। महाराष्ट्र की जो चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने महापरवाना प्लान अनाउंस किया है, इसके तहत वो एक एडेड इंसेंटिव दे रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज को और उन्हें एक सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। 25 जो मैंडेटरी परमिशंस और क्लियरेंसेज है वो इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे विद इन 30 days, और अगर 30 days में उनका क्लियरेंस आता नहीं है तो ऐसा माना जाएगा कि वो ऑलरेडी क्लियर हो गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड। चलिए बात कर लेते हैं कुछ महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का कैपिटल इज मुंबई। मुंबई उनका सिर्फ समर कैपिटल है, उनका विंटर कैपिटल इज नागपुर। उनकी जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी और वहाँ उनके जो सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, जो ट्री प्लांटेशन कैंपेन है जिसका नाम है संकल्प पर्व, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान किया था, ये चलेगा 2 हफ्तों तक फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई। अभी जो हमारे कौन से केंद्रीय मंत्री है फॉर कल्चर, पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, प्रहलाद जोशी। जो हमारे केंद्रीय मंत्री है ऑफ कल्चर, उन्होंने 27 जून को अनाउंसमेंट की है संकल्प पर्व की। ये जो एक ट्री प्लांटेशन कैंपेन है ये 2 हफ्ते चलेगा फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई 2020। इसके तहत जो सरकार है वो अलग अलग जगहों पर पेड़ लगाएगी और मेनली 5 पेड़ लगाए जाएंगे। तो चलिए उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं, वो है बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। इसके तहत जो ये पेड़ लगाए जाएंगे इनका ध्यान रखा जाएगा ताकि वो छोटे से बीज से थोड़े बड़े हो जाए और वो फ्लरिश कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, किस कंपनी के साथ इंडियन रेलवेज ने एक MOU साइन किया है वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम लगाने के लिए एट 6049 स्टेशंस। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, रेलटेल के साथ की है उन्होंने ये साझेदारी। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके तहत वो वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स लगाएंगी एट 6049 स्टेशंस यानी कि 6049 स्टेशंस इंडियन रेलवेज के, चाहे वो कैटेगरी A1 का स्टेशन हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या फिर ई हो। ये रेलटेल जो एक मिनी रत्ना PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उनके साथ ये साझेदारी हुई है और उनका ऐसा मानना है अब तक उन्होंने ऑलरेडी 215 स्टेशंस में ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिए गए हैं और अलग 85 स्टेशंस में वो लगवाएंगे बाय द सितंबर 2020। उसके अलावा 54 रेलवे स्टेशन के एग्जिट और एंट्री में उन्होंने लगा दिया है जहां से श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं और जो एग्जिस्टिंग
सीसीटीवीज वगैरह लगे हुए हैं, उन्हें भी इस सिस्टम में वो लोग एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि जो रेलवे स्टेशन या उनके आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं उस पर सरकार नजर रख सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। 2017 के परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत ने अपनी पोजीशन कितने नंबर पर रखी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, 3rd नंबर पर है भारत की पोजीशन एज पर दी परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस फॉर 2017। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। 2017 की परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत है एज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। पहली जो इकोनॉमी है वो है चाइना और दूसरे नंबर पर है यूएस। 2017 का डेटा माने तो हमारी जो पीपीपी है यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी है ऑफ द रूपी पर डॉलर फॉर द जीडीपी वो बढ़कर हो गई थी 20.65 इन 2017, जो 2011 में थी 15.55 और उस समय जो डॉलर का एक्सचेंज रेट था इन द ईयर 2011 वो था 46.67 जो बढ़कर हो गया था 65.12। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। NCAER ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, 1.3% तक उन्होंने भारत की जीडीपी को आंका है। तो चलिए बात कर लेते हैं NCAER क्या है। ये है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। उन्होंने भारत की जीडीपी यानी कि ग्रोथ को आंका है एट 1.3% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। ये जो उन्होंने जीडीपी आंकी है ये उन्होंने इसमें जो भारत ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है कोरोना वायरस के टाइम यानी कि 20 लाख करोड़ का, उसे कंसिडरेशन में लेके उन्होंने ये आंका है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है। मूडीज ने आंका है एट -4%, IRR ने आंका है एट -5.3%, ICRA ने आंका है एट -5%, वर्ल्ड बैंक ने आंका है एट -3.2%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आंका है एट -4%, IMF ने आंका है एट -4.5%, RBI ने आंका है -1.5%, SBI ने आंका है एट -6.8%, सीरस ने आंका है एट -5% और फिच और SP ने आंका है एट -5%। ये जितनी भी नेगेटिव है भारत की जीडीपी ये सब हो रहा है ड्यू टू दी कोरोना वायरस पैंडमिक, और उनका ऐसा मानना है कि 2021 और 22 में भारत की जीडीपी फिर से रिवाइव करेगी और पॉजिटिव में जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने हाल ही में UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है और युवा पे नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, येस बैंक। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि इन बाकी सब बैंक के MD और CEO कौन कौन है। HDFC बैंक के MD और CEO है वो है आदित्य पुरी, RBL के बैंक के है विश्ववीर अहूजा, येस बैंक का करेंगे हम आगे में बात, ICICI बैंक के MD और CEO है संदीप बख्शी जिन्होंने सक्सीड किया था चंदा कोचर को, और एक्सिस बैंक के MD और CEO है अमिताभ चौधरी। चलिए बढ़ते हैं आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो प्राइवेट लेंडर है येस बैंक, उन्होंने हाल ही में UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है जिसके तहत उन्होंने युवा पे नाम का एक डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ये काफ़ी सिमिलर है टू अदर पेटीएम और ऐसे वॉलेट्स जिसके तहत जो भी यूज़र है वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें जो KYC की रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम है। इसके साथ येस बैंक ने हाल ही में अफोर्ड प्लान, एक फिनटेक कंपनी है अफोर्ड प्लान, उसके साथ उन्होंने साझेदारी की थी टू डेवलप अ कॉन्टैक्टलेस हेल्थ कार्ड जिसमें आप रिचार्ज करा सकेंगे फ्रॉम 100 रुपीज़ टू अप टू 1 लाख रुपीज़। तो चलिए अब येस बैंक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई महाराष्ट्र में, इनके MD और CEO का नाम है प्रशांत कुमार, चलिए
चलिए बढ़ते हैं आगे सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन अकाउंटिंग मनी इन स्विस बैंक्स एट द एंड ऑफ 2019? 2019 के अंत में स्विस बैंकों में पैसे के हिसाब से भारत की रैंकिंग क्या है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 77। तो चलिए डिटेल्स में बात कर लेते हैं। 2018 का डेटा माने तो भारत की रैंकिंग थी एट 74, वो घटकर 2019 में हो गई है एट 77%। पहले नंबर पर स्विस बैंक में जिनके अकाउंट्स है उस वो कंट्री है यूके, जो अकाउंट करता है एट द 27% ऑफ द टोटल फॉरेन फंड्स जो अवेलेबल था स्विस बैंक्स में बाय द ईयर 2019। और SNB की डेटा की माने तो 2018 में भारत के जितने भी फंड्स थे स्विस बैंक में उससे घटकर हो गए हैं 2019 में बाय लेस देन 5.8%। यानी कि 2018 से 2019 के बीच में भारत में जो स्विस बैंक में फंड्स थे भारतीयों के उसमें गिरावट हुई थी और वो 5.8% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, जिसकी वैल्यूएशन है भारतीय रुपीज में एट 6,625 करोड़, और अगर स्विस फ्रैंक्स में माने तो उसकी वैल्यूएशन है 899 मिलियन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां सवाल, किस कंट्री की एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है कि वो पहले पर्यटक को लेके जाएगी स्पेस में इन द ईयर 2023? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए रशिया। तो डिटेल्स में बात कर लेते हैं इसके बारे में। एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन जो है रशिया में, उन्होंने अनाउंस किया है 25 जून को कि वो पहले पर्यटक को लेके जाएंगी ऑन अ स्पेस वॉक इन द ईयर 2023 अपने अमेरिकन पार्टनर के साथ मिलकर, और उनका एक साझेदारी साइन की है विद द स्पेस एडवेंचर्स। इसमें दो लोगों को वो ले जा सकते हैं, पहला जो होगा वो होगा टूरिस्ट और दूसरा होगा एक रशियन कॉस्मोनॉट। तो 2023 में वो लोग दो लोगों को लेके जाएंगे इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस। चलिए बढ़ते हैं आगे नौवे क्वेश्चन की तरफ। नासा की जो हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग है उनका नाम बदल के किसके नाम पर रखा जाएगा? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा नासा का हेडक्वार्टर्स। अब डिटेल्स में बात कर लेते हैं इसके बारे में। नासा ने वेडनेसडे को अनाउंस किया कि इनके जो हेडक्वार्टर्स है जो कि है वॉशिंगटन DC में यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें उनका नाम वो लोग बदल कर रखेंगे आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो पहली वहां की अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दसवें क्वेश्चन की तरफ। दसवां सवाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बिठाई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए आसाम गैस लीक, उस कमेटी के हेड कौन है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी पी काटके हैं उस कमेटी के अध्यक्ष। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं, ये तीन लोगों की कमेटी बिठाई थी जिसमें थे जस्टिस SP वांगड़ी, दूसरे थे सिद्धांत दास जो एक एक्सपर्ट थे, और तीसरे जो इसके हेड थे वो फॉर्मर हाई कोर्ट के जज हैं BP काटके। चलिए अब बात कर लेते हैं आसाम गैस लीक के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में इंटरिम पेनल्टी इम्पोज की है 25 करोड़ की ऑयल इंडिया पे। ऑयल इंडिया का एक वेल है, मतलब वेल नंबर 5 जो कि है बागजान इन द टिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ आसाम, उसमें लास्ट 27 दिन से कंटिन्यूसली गैस निकले जा रही है, और जिसमें दो OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के फायर फाइटर्स की भी मौत हो चुकी है। 9 जून से कंटिन्यूसली उसमें से आग निकले जा रही है जिसने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए NGT ने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें तीन लोग थे, जिसके अध्यक्ष का नाम था BP काटके, और उसमें थे जस्टिस SP वांगड़ी और एक एक्सपर्ट मेंबर जिनका नाम है सिद्धांत दास। उन्हें एक
रिपोर्ट सबमिट करनी थी इस मैटर पे 30 दिनों में, तो लाइक विद इन 9th of July उन्हें ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। और इसके तहत हाल ही में एक इंटरिम पेनल्टी भी दी इम्पोज की गई है ऑयल इंडिया पे 25 करोड़ की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 27 जून को मनाया जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे। तो चलिए बात करते किसने घोषणा की, जो यूएन जनरल असेंबली है उन्होंने फैसला किया कि 27 जून को मनाया जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे। वो जानते हैं कि इन छोटे एंटरप्राइजेस का क्या महत्व है इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो इसको एनकरेज करने के लिए और नए नए पॉलिसीज वगैरह लाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, ताकि फैसिलिटेट कर सके कि ये जो रोल निभाते हैं ये सब छोटे छोटे एंटरप्राइजेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ऑफ यूनाइटेड नेशंस का, उसके 2030 एजेंडे के हिसाब से जो MSME है उन्हें इम्पोर्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ ऐसे पॉलिसीज की ज़रूरत है ताकि इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, वैल्यू में हो या मार्केट में हो, उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन सी इंडस्ट्री किस रेंज में आती है। माइक्रो इंडस्ट्रीज वो है जिनमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम हो और उनका जो सालाना टर्नओवर हो वो 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल इंडस्ट्रीज वो होती है जिनका जो इन्वेस्टमेंट होता है मिनिमम वो 10 करोड़ से कम हो और उनका टर्नओवर सालाना हो 50 करोड़ से कम। और मीडियम एंटरप्राइजेज जो होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होता है लेस देन 50 करोड़ और उनका जो टर्नओवर होता है वो होता है 250 करोड़ से कम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, 28 जून को हर साल नेशनल इंश्योरेंस, सॉरी यस, 28 जून को हर साल नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ताकि जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनको हम बैठ कर रिव्यू कर सके। आजकल आप जानते हैं कि इंश्योरेंस सभी फील्ड्स में हो, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये कराना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दिन का ओरिजिन किसी को भी नहीं पता, लेकिन इंश्योरेंस कराने से एक प्रोटेक्शन हो जाती है, ताकि कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो उसमें नुकसान कम से कम हो। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 13th क्वेश्चन। उस वीर चक्र अवार्डी का नाम बताइए जो 1971 के वॉर हीरो थे उनका हाल ही में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, परवेज जमस जी। जो स्क्वाड्रन लीडर है परवेज जमस जी, उनका हाल ही में निधन हुआ है और उन्हें वीर चक्र भी मिला है उनके बेहतरीन ब्रेवरी के लिए, जो उन्होंने 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में दिखाया था। वो एक वॉकिंग स्टिक यूज़ कर रहे थे बिकॉज 1971 में जो वॉर हुआ था उसके कारण उन्हें कई सारी इंजरीज हुई थी, जिसके कारण उन्हें स्टिक लेके चलना पड़ता था। उन्हें कमीशन किया गया था एज पायलट इन 1965 और उन्होंने रिटायरमेंट ली थी इन 1985। 20 ईयर्स उन्होंने सर्व किया है एज दी पायलट। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के, हो चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो, पैरा 13.2 हो, आप इसे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही हाई क्वालिटी के मॉक टेस्ट है जो आपको बहुत बेटर वे में प्रिपेयर करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।